तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और एक्सप्रेस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा क्योंकि आज इस वीडियो पे मैं आपके साथ कुछ एयरड्रॉप शेयर करूंगी। कुछ टेस्टनेट का एयरड्रॉप है और कुछ जो है मिननेट का एयरड्रॉप है और तो साथ में कुछ अपकमिंग एयरड्रॉप भी आने वाला है। मे भी मिल सकता है, ना मिले वो भी कोई गारंटी नहीं है, बस उसका एक अपडेट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जितने भी इस वीडियो पे मैं एयरड्रॉप वगैरह शेयर करूंगी, अपडेट शेयर करूंगी, फुल टू सब यूनिक लूट है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर लो ताकि इसी टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो को आप मिस ना कर दो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए न्यू अच्छे अच्छे ऑफर लाने के लिए। तो अभी तक आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, फटाफट जाकर टेलीग्राम को मस्त ज्वाइन करके रखो क्योंकि जो भी छोटी मोटी ऑफर लूट बग या कोई भी अपडेट वगैरह आता है सारा कुछ डिटेल यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो एनएफटी से यहाँ पर लोग कितने कमा रहे हैं। देखो सुबह सुबह एक प्रूफ आया गया, यहाँ पर देख सकते हो ये कॉइन गेज को कि एक एनएफटी क्लेम करना था, तो यहाँ पर एक यूजर ने यहाँ पर एनएफटी को क्लेम किया है और उसका प्राइस लगभग 45K। मतलब यहाँ पर देखो बहुत ही छोटी सी लूट से भी यहाँ पर आपकी हज़ारों में अर्निंग हो जाती है। तो कोई भी लूट को आप छोटी सी लूट समझ के यहाँ पर स्किप मत कर देना क्योंकि क्या पता कब ये कितना प्रॉफिट दे जाए। सारा कुछ अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करके रखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ अपकमिंग एयरड्रॉप की। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 4 डेक्स की लिस्ट बनाया है जहाँ पर आप यहाँ पर उनकी कुछ जो फीचर्स वगैरह है वहाँ पर आपको कुछ वर्क वगैरह करना है। मतलब इनके जो डेक्स पे जाके आप कुछ यहाँ पर ट्रांजैक्शन वगैरह करना है जिसके लिए यहाँ पर फ्यूचर पे अगर इनकी डेक्स के तरफ से कोई भी इनके नेटिव टोकन वगैरह आता है तो आपको फ्यूचर पे कुछ एयरड्रॉप वगैरह मिल सकता है। ये गारंटी नहीं है मिलेगा ही मिलेगा बट मिल सकता है। यहाँ पर एक सोल्यूशन ये है, यहाँ पर हम जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो मार्टिक नेटवर्क पे करेंगे तो यहाँ पर मार्टिक नेटवर्क पे ज़्यादा फीस भी नहीं लगती तो यहाँ पर मे भी आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर मे भी अगर उनके फ्यूचर पे कुछ भी एयरड्रॉप वगैरह आता है फ्री में कुछ एयरड्रॉप वगैरह हमें मिल सकता है। तो ये चारों डेक्स का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, ये चारों पे जाके आपको सिंपल से कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह करना है। तो कितना क्या भी कर सकते हो यहाँ पर मिनिमम $50 या $100 के आप ट्रांजेक्शन कर लेना क्योंकि जो मिनिमम से आता है वो इतना ही आता है। तो यहाँ पर एक टेक्स पे मैं जाके आपको ट्रांजैक्शन करके दिखा देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पारा स्वाप की जो टेक्स है यहाँ पर हम आ चुके हैं और इनके कोई नेटिव टोकन नहीं है। अगर फ्यूचर पे यहाँ पर कुछ नेटिव टोकन इनका आता है और मे बी ये हमको कुछ एयरड्रॉप वगैरह दे सकते हैं, इसे कुछ गारंटी नहीं है, बस यहाँ पर आप कर लेना। मे बी अगर फ्यूचर पे आता है तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर इरिथियम सिलेक्ट होकर रहेगा तो यहाँ पर आप पॉलीगन कर लेना। पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना और मेटामास्क सिलेक्ट करना और इसे आपको सबसे पहले कनेक्ट कर लेना है अपने मेटामास्क के साथ। जैसे ही यहाँ पर आप वॉलेट को कनेक्ट कर लोगे तो उसके बाद ऊपर यहाँ पर मैट्रिक सिलेक्ट रखना है, उसके बाद यहाँ पर यूएसडीटी सिलेक्ट रखना है, उसके बाद यहाँ पर स्वाप जैसे ही आप करते हो अदर डेस्क पर जाकर जैसे कि पैनकेक स्वाप हो गया, जैसे कि बेकरी स्वाप हो गया, वहाँ पर जैसे आप स्वाप करते हो बस यहाँ पर भी आपको एक स्वाप कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर आपका स्वाप कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आपका काम हो जाता है कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या करना होगा बस यहाँ पर मैट्रिक से यूएसडीटी यहाँ पर स्वाप कर लेना, उसके बाद बस आपका काम हो जाता है कंप्लीट। बस एक ट्रांजैक्शन कम से कम यहाँ पर आपको कर लेना है और चारों डेक्स का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। ये चारों डेक्स पे जाके आपको सिर्फ एक स्वाप कर लेना है, बस हो जाता है आपका काम कंप्लीट। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एयरड्रॉप की। नेक्स्ट एयरड्रॉप की लिंक भी मैं आपको दे दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो क्रूज फाइनेंस एयरड्रॉप है, यहाँ पर उनके फर्स्ट एयरड्रॉप है और यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट 25 के यूजर को 1 बिलियन क्रूज टोकन यहाँ पर मिलेगा जिनके ओर उनके तरफ से बोला जा रहा है $50 पर इतना होगा नहीं। बस यहाँ पर आप देख सकते हो बस इसे क्या करना होगा, इनके कुछ सिंपल टैक्स है और ये कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेजको पे भी ऑलरेडी लिस्टिंग के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट दे दिया है, इनके फॉर्म वगैरह भर दिया है। तो यहाँ पर क्या करना होगा सबसे पहले यहाँ पर आपको मेल आईडी फिल करना होगा, उसके बाद इनके कुछ टैक्स रहेगा जैसे कि इनको ट्विटर पर फॉलो करना होगा, इनकी पिन पोस्ट को यहाँ पर लाइक करना, रिट्वीट करना और 3 फ्रेंड को टैग करना, उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, एडवर्टाइजमेंट टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। इतना टैक्स करने के बाद यहाँ पर आप अपने ट्विटर का यूजर नेम फिल कर देना, रिट्वीट लिंक यहाँ पर आपको फिल कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आप टेलीग्राम का यूजर नेम फिल कर देना, उसके बाद यहाँ पर बीएससी का एड्रेस यानी कि जो बीएनबी स्मार्ट चेन का एड्रेस डाल देना, उसके बाद यहाँ पर पूछेगा यहाँ पर आर यू ए रोबोट, तो यहाँ पर आप नो कर देना, यस मत करना तो यहाँ पर नो कर देना। तो उसके बाद हु इनवाइट्स यू, तो यहाँ पर आप मेरा जो टेलीग्राम यूजर नेम है यहाँ पर फिल कर सकते हो या तो आप अपने फ्रेंड का या अपनी ही यूजर नेम फिल कर देना। तो यहाँ पर ये डालने के बाद इसे आपको सबमिट कर देना है, बस इतना ही काम करना है। और मे भी ये जो प्रोजेक्ट है मुझे अच्छा लग रहा है, तभी चलते हैं नेक्स्ट एयरड्रॉप की तरफ।
तो नेक्स्ट एयरड्रॉप का लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। यहाँ पर आने के बाद कुछ सिंपल टैक्स यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट जो है कार्बन फार्म यानी कि सीआरबी एयरड्रॉप है और यहाँ पर बनी फार्म एयरड्रॉप की एनएफटी एयरड्रॉप भी है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इनके कितने गिवे हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस फुल जो है बहुत ही हैवी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो $220,000 सीआरबी टोकन गिवे कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत इजी टैक्स है और इजीली यहाँ पर आप विन कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो 90 पॉइंट से ज़्यादा है तो डायरेक्ट यहाँ पर आप क्वालिफाई हो जाते हो एयरड्रॉप के लिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर खुद चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर जितना ज़्यादा आपका जो चांसेस होगा एयरड्रॉप की विनिंग के वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या सिंपल टैक्स है, इनके टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, ट्विटर को फॉलो करना है, फेसबुक के जाके यहाँ पर जस्ट फेसबुक पेज पे यहाँ पर आप विजिट करना, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना, बस उसके बाद ये सिंपल टैक्स होता है जिसे आप इजीली कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सोलाना का एड्रेस फिल करना होगा, सोलाना का एड्रेस solana.io वेबसाइट पे जाके आप अपने एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना, बस सिंपल टैक्स कर लेना। अगर हो सके तो जो चार रेफर कर देना अपनी दूसरे फोन वगैरह से, तो यहाँ पर आपके जीतने के जो चांसेस है बहुत ही बढ़ जाएंगी, तो इसे भी आपको मिस नहीं करना है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट एयरड्रॉप की तरफ। तो नेक्स्ट जो एयरड्रॉप है यहाँ पर आप देख सकते हो एल्गोफी इनका जो व्हाइटलिस्ट है साथ में एयरड्रॉप है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपल से टैक्स इनका रहता है, इनके टेस्टनेट जो एयरड्रॉप है यहाँ पर आपको ज्वाइन करना होगा। तो टेस्टनेट आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इतना सारा पूछ जो डिटेल है वो ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका है, यहाँ पर आप खुद चेकआउट कर सकते हो या तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको एक लिंक मैं दे दूंगी यहाँ पर एल्गोरेंट वॉलेट का। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक वॉलेट क्रिएट करना होगा, लिंक को आपको सबसे पहले कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपनी क्रोम ब्राउजर या तो आप कोई भी ब्राउजर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं क्रोम यूज़ करती हूँ। तो जैसे ही लिंक प्रेस करते हो कुछ इस टाइप का पेज आपके सामने शो हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्सेस नाउ पर क्लिक करना और यहाँ पर एक अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। तो इनके टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना, कंटिन्यू करना, पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देने के बाद कंटिन्यू कर लेना। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पासवर्ड मैंने फिल कर दिया, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पर आपको वॉलेट क्रिएट करना होगा। वॉलेट कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको न्यू क्रिएट ए न्यू वॉलेट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू कर लेना। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको रिकवरी फेस मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो वह है, यहाँ पर आपको 5 टैब मिल जाता है। इस टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी वार्ड होगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा। तो यहाँ पर 25 वार्ड आपको मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। जिस टैब पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको वो टैब पर जितने भी वार्ड होगा रिकवरी फेस आपको शो कर जाएगा। तो यहाँ पर कॉपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसे मैं सबसे पहले कॉपी करके सेव कर लेती हूँ। तो चलो इसे मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पर आप ये जो टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना, कंटिन्यू करना। उसके बाद ये पूछ रहा है 10th वाला वार्ड क्या था, तो चलिए मैं इसे फिल कर लेती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो चारों वार्ड को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है जो आपका जो वॉलेट का नाम आप क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ पर वॉलेट का नाम दे देना। उसके बाद क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करना, तो उसके बाद पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना। तो पासवर्ड फिल करने के बाद सेंड पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर आपका जो वॉलेट है वो रेडी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलेट आपका क्रिएट हो चुका है। तो वॉलेट क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको, तो उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको एम शो करेगा, यहाँ पर मेननेट शो करेगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर टेस्टनेट सिलेक्ट कर लेना, यानी कि टी सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर टेस्टनेट हो जाएगा। टेस्टनेट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसे मैं डेस्कटॉप मोड पे ले लेती हूँ थोड़ा सा, तो जिसे आपको समझने में आसानी होगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप का आपका जो वॉलेट है वो क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर टेस्टनेट शो कर जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से आपको आ जाना है हमारे टेलीग्राम पे। तो उसके बाद मैं उनकी जो वेबसाइट टेस्टनेट वेबसाइट का लिंक वो दे दूंगी, वो लिंक को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद यहाँ पर आपको एक न्यू टैब पे इसे आपको ओपन करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको वॉलेट को कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना और यहाँ पर वॉलेट को सबसे पहले कनेक्ट कर लेना पासवर्ड फिल करके। तो यहाँ पर पासवर्ड मैंने फिल कर दिया। उसके बाद कनेक्ट पर क्लिक करना, यहाँ पर आपका जो वॉलेट है वो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना जो वॉलेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना, उसके बाद कनेक्ट पर क्लिक करना, यहाँ पर आपका जो वॉलेट है वो कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर आपको फास्टसेट क्लेम करना होगा। यहाँ पर फास्टसेट का ऑप्शन नीचे शो करता है, यहाँ पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है जब तक ये लोडिंग ले लेता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर इस टाइप का कुछ पेज आपके सामने शो हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर ये रहा आपका एड्रेस, इसे आपको यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ पर कॉपी का टैब मिल जाता है, कॉपी पर क्लिक करना। कॉपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गेट ALGO पर क्लिक करना। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फास्टसेट क्लेम करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो एड्रेस को आपने कॉपी किया था वो एड्रेस को यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिया तो उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना और यहाँ पर कैचअप को आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको, उसके बाद यहाँ पर डिस्पेंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर स्टार्टस जो है वो सक्सेस हो चुका है। तो यहाँ पर हमें जो है टेस्टनेट का एयरड्रॉप मिल चुका है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं फिर से वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको रिफ्रेश
का बटन मिलता है, यहाँ पर रिफ्रेश वाले बटन पर आपको एक बार क्लिक करना है। ये टेस्टनेट का है तो थोड़ा सा स्लो हो रहा है और ट्रांजेक्शन के लिए भी टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करने के बाद चलो इसे, तो जैसे ही रिफ्रेश हो जाता है तो यहाँ पर ओपीटी इन का ऑप्शन आपको शो कर जाएगा, ओपीटी इन पर क्लिक करना। और यहाँ पर आपको और थोड़ी देर टाइम लग सकता है, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो वॉलेट कनेक्ट होगा फिर से, तो यहाँ पर कंटिन्यू करना, पासवर्ड फिल करना, तो उसके बाद साइन इन पर क्लिक करना। बस यहाँ पर आपको थोड़ी देर फिर से वेट करना है और यहाँ पर थोड़ी देर ये कनेक्ट होगा, तो उसके बाद यहाँ पर फिर से आपके सामने यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बस यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टिल ये प्रोसेसिंग ले रहा है, तो यहाँ पर और थोड़ी देर हम वेट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ऑप्टिन जैसे ही हो जाता है तो उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज है आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर यूएसडीटी फंड वगैरह आपको शो करेगा, यहाँ पर आप 100 सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर मैं 100 सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो इसे 10 रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना। जैसे ही रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हो फिर से यहाँ पर थोड़ी देर ये प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपका जो फाउसेट है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही ट्रांजेक्शन सक्सेस होता है तो यहाँ पर योर बैलेंस का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर देखो यूएसडीटी मेरा आ चुका है। उसके बाद क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर सप्लाई मार्केट पे आ जाना, उसके बाद यूएसडीसी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे यूएसडीसी सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सप्लाई करना होगा, तो सप्लाई यहाँ पर आप अपने मर्जी से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 100 सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद सप्लाई यूएसडीसी पर क्लिक करती हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन आएगी। तो इससे सबसे पहले आपको कनेक्ट करना होगा, सॉरी कंटिन्यू करना होगा, उसके साथ पासवर्ड फिल कर देना। पासवर्ड फिल करने के बाद साइन इन पर क्लिक करना और थोड़ी देर वेट करना, तो यहाँ पर आपका जो सप्लाई है वो यहाँ पर हो जाएगा। बस यहाँ पर थोड़ी देर हम वेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो यूएसडीटी है वो सप्लाई हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 बार हो गया। तो यहाँ पर अगर आपका ट्रांजेक्शन वगैरह थोड़ा सा लेट होता है तो यहाँ पर आप पेज को रिफ्रेश कर लेना एक बार। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ये सप्लाई हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यूएसडीसी मेरा आ चुका है। तो उसके बाद क्या करना होगा, फिर से यहाँ पर यूएसडीसी पर आपको क्लिक करना होगा, ऊपर ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लेम बी यूएसडीसी आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद फिर से एक ट्रांजेक्शन आएगा, उसे कंटिन्यू करना, पासवर्ड फिल करके साइन इन कर लेना। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड फिल करके साइन इन कर लिया, जैसे साइन इन करोगे तो थोड़ी देर यहाँ पर हम वेट करते हैं जब तक ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ट्रांजेक्शन हो चुका है सक्सेसफुल। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो नीचे यूएसडीसी आपको मिलता है यहाँ पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर आपको मैक्स का बटन मिलता है, मैक्स पर क्लिक करना। तो उसके बाद यहाँ पर RB यूएसडीसी पर क्लिक करना, ऐसे ही क्लिक करने के बाद फिर से ट्रांजेक्शन आएगा। तो यहाँ पर 2 मिनट रिक्वेस्ट शो कर रहा है, थोड़ी देर हम वेट करते हैं, फिर एक बार ट्राई करते हैं मैक्स। उसके बाद यहाँ पर RB यूडीसी पर क्लिक करना, उसके बाद आ जाना यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन हर बार एरर आ रहा है, तो यहाँ पर पासवर्ड फिल कर देती हूँ। तो ये टेस्टनेट इवेंट को आपको मिस नहीं करना है। देखो यहाँ पर मैंने पासवर्ड फिल कर दिया, पासवर्ड फिल करने के बाद थोड़ी देर हम वेट करते हैं जब तक ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है। ये हो जाने के बाद यहाँ पर आपका जो BUDC टोकन है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो 2 मिनी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर तो थोड़ी देर वेट करते हैं फिर से और एक बार ट्राई करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो पेज को मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हो एडेड टू कोलेटेरियल पे मेरा जो फंड है वो आ चुका है। ये आने के बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो WALGO टोकन, तो यहाँ पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, इसको आपको बोरो करना होगा, यहाँ पर कितने भी बोरो कर सकते हो। यहाँ पर मैं 50 सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद यहाँ पर बोरो पर क्लिक करती हूँ, फिर से आपको ट्रांजेक्शन आएगी। यहाँ पर आप कंटिन्यू करना, पासवर्ड फिल करके साइन इन कर लेना। तो जैसे साइन इन करते हो फिर से यहाँ पर प्रोसेसिंग चलेगी, और यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही यहाँ पर आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। अगर नहीं होता है, अगर यहाँ पर आप बार बार करते हो तो इस टाइप का कुछ पेज आता है, तो एक बार यहाँ पर आप रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करने के बाद अगर यहाँ पर आपका जो टोकन है वो अगर बोरो हुआ होगा वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का पेज आपके सामने शो कर जाएगा, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ट्रांजेक्शन शो करेंगी, दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसे कट कर लेती हूँ, कट करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको शो कर जाएंगी यहाँ पर कितने बोरो आपने किया है। तो इसे मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करती हूँ। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अमाउंट बोरो यहाँ पर मुझे शो कर गया। तो उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर आपको WALGO पर क्लिक करना होगा और इसे आपको रिपे करना होगा इमीडिएटली। यहाँ पर रिपे पर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर 50 शो करेगा, यहाँ पर मैक्स पर क्लिक करो, जितना भी आप यहाँ पर बोरो किया होगा उतना रिपे कर देना। तो यहाँ पर रिपे पर क्लिक करो, उसके बाद कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करने के बाद पासवर्ड फिल करना और यहाँ पर साइन इन कर लेना। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो साइन इन कर लिया, और यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने ही रिपे कंप्लीट हो चुका है और नीचे मुझे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री शो कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर WALGO टोकन अभी 0 हो चुका है, क्योंकि मैंने जितने भी बोरो किया था उसे रिपे भी कर लिया। तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर कुछ भी बोरो अभी नहीं है।
अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी बग वगैरह दिखता है तो उसे आपको कहाँ रिपोर्ट करना होगा, उनके डिस्कॉर्ड चैनल पे जाके यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हो, जिनके लिए मैं भी यहाँ पर आपको कुछ एडवांटेज मिल सकता है। बस इतना ही काम करना होगा जिसके यहाँ पर देख सकते हो, दैट्स ऑल फॉर द टेस्टनेट। बस इतना ही काम करना होगा, लास्ट में आपको क्या करना होगा, बोरो करना होगा और रीपे, बस इतना ही काम करके आपको छोड़ देना है। और जितने अकाउंट से हो सके कर लो, क्योंकि अच्छा सा प्रोजेक्ट ये मुझे लग रहा है। और यहाँ पर मैं उनके ट्विटर हैंडल पर आपको लेके दिखा देती हूँ, और इनका एड्रेस वगैरह जितने भी सोशल मीडिया टैग्स है वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आके सारा कुछ डिटेल यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। जितना भी टेस्टनेट का जो डिटेल है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बस ऐसे ही आपको इनके टेस्टनेट पे ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ इनके डिस्कॉर्ड पे कैसे ज्वाइन करना होगा। डिस्कॉर्ड पर क्लिक करना और यहाँ पर डिस्कॉर्ड सर्वर पर आ जाना। कुछ भी अगर बग वगैरह आपको मिलता है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। तो इनका कम्युनिटी भी बहुत ही अभी लो है, अभी अभी रिसेंटली इनका जो है वो टेस्टनेट लॉन्च हुआ है, इसे आपको मिस नहीं करना है। तो जैसे ही यहाँ पर आ जाते हो तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर आके तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी बग वगैरह मिलता है तो यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हो कहाँ गया। तो जैसे कि देख सकते हो ये वाला रहा। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले रूल पे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा, यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद कंटिन्यू करो, इनको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करो और यहाँ पर कुछ रिएक्ट वगैरह कर लो कुछ भी सर्वर पे। तो जैसे ही रिएक्ट करते हो देखो यहाँ पर सारा कुछ इनका जो टैग्स है, सॉरी इनका जो चैनल वगैरह है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर कुछ भी बग वगैरह मिलता है, यहाँ पर बग रिपोर्ट का एक चैनल मिलता है, यहाँ पर जाके आप अपने बग शेयर कर सकते हो। ओके, बस इतना ही काम आपको करना होगा। और कितने सारे यूजर यहाँ पर एक्टिव है यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मे भी अच्छा सा प्रॉफिट ये दे जाएगा, तो इसे आपको मिस नहीं करना है। और ट्विटर को मस्ट ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को अपने तरफ से लाइक, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।